वीडियो से सारे का स्वागत है जी। तो मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों आज की वीडियो में ना मेरा गला थोड़ा खराब है, इसलिए मैं माइक का प्रयोग कर रहा हूँ। पहले मैं एक वीडियो पाई ही जिद मैं दसिया ही भी पिंड बालपुरी हड्डियां का डॉक्टर आ हड्डियां ठीक करता वा, तो विदाउट एक्सरे हाथ ना टो टा के ही ठीक कर लेंदा वा। अज आप एक पिंड आ पन्नवाल जिहड़ा कि पठानकोट लागे आ, पठानकोट तो जम्मू रोड पर आ, तो आप चलें अज उत्थे क्योंकि मेरे नाल दे ब्रदर नूं ना लक्ष थोड़ी जी प्रॉब्लम आ। कल भी गए हाँ, कल जाना उन्होंने 40% फर्क ही, अज तीन बारी बुलाया वा, अज दूजा दिन आ। तो मैं सोचा भी कल भी वीडियो बनी, कल मेरा गला बहुत ज़्यादा ही खराब ही, अज थोड़ी जी आवाज़ वापसी हुई है, तो मैं थानू मर्जी निशानदेही करना वा। उदा डॉक्टर के अंदर नहीं वीडियो बनाई जानी, उत्थे वीडियो अलाउड नहीं आ, पर तुहानू अज मैं उतना एड्रैस जरूर पेश कर दाँगा। तो उद्दे विच की है भी पैसा कोई वह भी नहीं दे, तो ठीक कर देंगे आ। बड़े बड़े दूरों कल लोग वेखे ही, जम्मू तो लोग आए उ, होर दूर दूरों लोग उत्थे पहुँचे ही। जम्मू नाल साडा सूबा वा जम्मू कश्मीर, उत्थों लोग पहुँचे ही। अज हुण जाके तुहानू मैं सिर्फ एक मात्र एड्रैस देवांगा, तो एड्रैस विच अहीं वेखांगे। हुण सानू आ गया वा गड्डी चाबी मेरे को, i20 मगर लगी आ। हुण आपां धारीवाल निकलते हाँ पठानकोट, मैं वीडियो नूं कंटिन्यू करूँगा। इत्थों 50 किलोमीटर पठानकोट आ, उत्थों तक आपां जावांगे क्योंकि सारयां नूं इह राह दा पता। जो पठानकोट आप आ गए हाँ, जो आप जाना वा सज्जी हो जाइए, फिर आप पठानकोट के अंदर एंटर हो जाएंगे। आप जावे सीधे जम्मू वाली रोड से, हम जम्मू वाली रोड तो अगे जाके कितों मुड़ना वा थानू मैं अगे जाके दसना। हम आ गया जी पठानकोट का बाईपास, जो आप इतों सज्जी हो जाइए तो फिर आप डलहौजी जाना हो, धर्मशाला जाना हो, उधर जावे। जे आप जाइए सीधे फिर आप जम्मू जावे, जम्मू इतों है 102 किलोमीटर, तो आप हम चलिए जम्मू वाली रोड यानी कि सीधे। ये चक्कर तो घूमद हो आप हम निकलेंगे सीधे, ये रोड सीधी जाती है जम्मू, तो उस तो बाद श्रीनगर नूं यात्री जाते हैं इधरों की। हम ये रोड थोड़ा जा अगे जाके 2-3 किलोमीटर आप मुड़ना। सस्ता पेट्रोल है वो जम्मू तो इत्थे। ये इलाके के जंगल बड़े प्यारे आ रोड के नाल नाल। आ गया जी KFC बर्गर किंग, आउंदे आउंदे इत्थे थोड़ी जी ब्रेक मारांगे, काफ़ी सारे लोग इत्थे आउंदे आ संडे पिकनिक मनाउण वास्ते। तुहानू थोड़ा जिहा दृश्य इत्थे दवांगे आण के। फिलहाल आईआं अपने टारगेट ते कंसंट्रेट कर रही हाँ। इदा करके आप अगे वधदे रहना वा,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਵਾ। ਮੋੜਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 4 ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੁਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 5 ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ 4 ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਚੜ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, 4 ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲਵਾਓਗੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ ਉਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਖੱਬੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰ ਗਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਗਈ। ਫਾਟਕ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਏਗਾ BSMSD, ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਆਏਗਾ। ਸੜਕੇ ਦੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਲਵਾਰਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ MLA ਜਾਂ MP ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਹੈ ਤੇ MLA ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ, ਆਹੋ ਇੱਕੋ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੋੜ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਨਵਾਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੋੜ ਮੜ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖੱਬੇ, ਆਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਂ ਲੱਭ ਲਈ, ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਪਰ ਛਾਂ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ, ਅੱਜ ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਆ।
जम्मू के नंबर इतने आते इलाज वास्ते। हाँ जी मुख की गल है ना, इतने रश बहुत ज़्यादा वा। अज ऐतवार ऐतवार तो बहुता रश है ना। सू दो घंटे हो गए आया इन दोवे घंटे बंदे भुगते आ चार पाँच उन्होंने नाल दो दो होर लिया होंगे आ नंबर पा दी दा। पर मैं लगता वा भी कोई नंबर नुंबर कोई बहुता है नहीं आ, जिन्हें आना वा घट्टो घट तीन घंटे चार घंटे लैके आना पैना वा। आप लगभग एक बजे इतने पहुँचे हाँ, सवा एक बजे तो हूँ चार बज गए अजे भी नहीं पता लगन डाया भी वारी आनी आ कि जा किन्ने बजे आनी आ। इस वे टाइम खुला लैके आओ, मल मुल के कोई पैसे नहीं आ, पैसे आ दवाइया के मेरे हिसाब न पैसे है दवाइया के पैसे मैं देंदा लोगों वेख्या, बाकी चलो वेखते हैं कदों वारी आती है। हुण साढ़े चार हो गए जी तो अजे भी वारी साड़ी नहीं आई। मैं हुण आ गया कुदरती वातावरण में, पिंड भनवाल नियर पठानकोट। तो हुण ये आ भी एक इत्थों तुहानूं संदेश मिलता वा भी ऐतवार ना आओ, ना छुट्टी वाले दिन आओ, वर्किंग डे वाले दिन ताजी ताजी छुट्टी करके फिर आओ, फिर तुहाडी वारी जिहड़ी आसानी ना आजूगी, उदा बारी नहीं जमी। हूँ आ रहे जी आप वापस, तो हूँ मुख की गल ये भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए आ, डेट भी तो टाइम ही, ता कि सारे का टाइम बच सके। एक मरीजों को फैसिलिटी मिलती है, कोई भी डॉक्टर आदि को यो चीज़ होनी चाहिए आ भी अपॉइंटमेंट जरूर होनी चाहिए है टाइम की। तो हूँ आप खावे इतों कोई ना कोई रिफ्रैशमेंट बर्गर तो, वीडियो इतने समाप्त आ। तो वीडियो चंगी लगे चैनल में लाइक शेयर सबसक्राइब करो, तो जिन्हें जिन्होंने लोड़ आ वो जरूर अपना चैकअप इतने करवा सकते हैं। तो हूँ अं इतों पैक कराइए अपनी रिफ्रैशमेंट तो घर चलीए। सारे हंसते वसते रहो जी, ओके गुड बाय सारे नू जी, सत श्री अकाल जी।